cause I got something to prove. I got नानी के घर का टूर दे सकती हूँ। तो ये हमारे नानी के घर का एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो पपीते का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे नानी ने फूल वूल लगाए हुए हैं, इस साइड पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ से ये एंट्रेंस है, यहाँ से जब आप एंटर करोगे यहाँ पे छोटी छोटी सी नानी ने फूल्स क्यारियाँ व्यारियाँ लगाई हुई हैं। इस साइड पे जो आप पौधे देख रहे हो ये वो उसके पौधे हैं, किसके मामी? भिंडी, भिंडी, भिंडी के पौधे हैं। यहाँ पे ये वाला पेड़ जो है वो देखो वो टमाटर का पेड़ है, वहाँ पे वो पपीते का पेड़, ये पूरे अमरूद के पेड़ सारे। इस साइड पे वो लगता है मक्का, हाँ इस साइड पे लगता है मक्का, मक्का वो होता है ना भुट्टा, हाँ भुट्टा। तो यहाँ पे नानी ने वो भुट्टे भी बोए हुए हैं। और यहाँ पे भी किस चीज के पेड़ है? धनिया, ये धनिया के पेड़ है, सारे धनिया के पेड़ है। और वहाँ पे जो पीछे गैलरी देख रहे हो वहाँ पे भी नानी ने हल्दी के पेड़ लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है तो हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन उस साइड भी लगा हुआ है। ये पूरा बरामदा है, ठीक है। ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, ये वाला पर्टिकुलर स्पेस, यहाँ पे जैसे शाम को जब सनसेट होता है तो इतना प्यारा व्यू होता है, तो पूरी सनसेट वाली लाइट जो है वो इधर आती है। तो नानी शाम को सब लोग कुर्सी वुर्सी लगा के चाय वाय पीते हैं, सब चिल एरिया वाला सीन है बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे आप आओगे, ये देखो ये सीढ़ियाँ जा रही है छत की तरफ, ये सीढ़ियाँ जा रही है छत की तरफ। यहाँ पे आपको ज्यादातर घरों में जो सीढ़ियाँ मिलेंगी वो बाहर ही मिलेंगी, घर के बाहर सीढ़ियाँ होती है, तो मैं आपको छत दिखाती हूँ। बहुत ऑल्सो गाइस, घर के अंदर कुछ रूम्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूंगी जरूर आपको दिखाऊंगी। ऊपर का व्यू कितना प्यारा व्यू है ना, पहले मामी व्यू दिखा दो सबको, कितना प्यारा व्यू है वो देखो, वो कोने में आपको उस साइड पे जंगल भी दिखेंगे, वो देखो वो दूर आपको जंगल भी दिखेंगे, वो सारे जंगल वाले पेड़ है। ये इतनी पूरी बड़ी सी छत है, ये पूरा खेत ही खेत दिखेंगे आपको दूर दूर तक, यहाँ पे जितने भी घर है सब दूर दूर घर है। और इधर आओ, ये हमारी तुलसी माता जी, यहाँ पे नानी रोज सुबह के जल डालती है। और यहीं पे आप देखोगे तो ये देखो आम का पेड़ लगा हुआ है, आम लग भी चुके हैं, पके नहीं है, लेकिन जब भी पक जाएंगे यहीं से तोड़ के खा लो आराम से। और इस साइड आओगे, इस साइड भी वो देखो आम का पेड़ है, कितने सारे आम लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आके मस्त तोड़ वोड़ के आप खा सकते हो आम, ठीक है। तो घर पे आना, और इतनी प्यारी हवा चलती है, ये हवा दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। तो यही इतनी बड़ी सी छत है, सीढ़ी के बगल में ही ये पतली सी गैलरी बनी हुई है हमारे यहाँ पे। गैलरी में आओगे तो यहाँ पे भी आपको जो वॉशरूम्स है वो घर के बाहर ही, ज्यादा घरों में यही मिलेगा यहाँ पे कि वॉशरूम जो है वो घर के बाहर ही है। ये रहा हमारा छोटू सा टॉयलेट है ना, इस गैलरी के अंदर से ये वॉशरूम, ठीक है। इस साइड पे आगे आओगे तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे आपका हैंडपम्प लगा हुआ है, पानी वाली रोज भरो यहाँ से। मैं एक चीज आपको बता दूं यार, यहाँ पे गर्मी के टाइम पे गर्मी बहुत होती है, लेकिन अगर आप हैंडपंप का पानी उस टाइम पे भी देखोगे ना, इतना ज्यादा ठंडा पानी होता है, इतना ठंडा पानी ऐसा लगेगा फ्रिज भी फेल है उसके आगे। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी नानी ने बहुत छोटी छोटी सब्जियां लगाई हुई है, ये देखो पुदीना है, ये देखो ये रहा पुदीना, वहाँ पे वो लगाई हुई है, वो मिर्ची है ना मामी, वो मिर्ची लगाई हुई है। इस साइड पे आओगे पतली सी गली, इस साइड पे आओगे यहाँ पे देखो ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे चूल्हे का सेक्शन है। यहाँ पे अभी तो नानी आजकल इसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी खाना वाना बनाना होता है, कोई चूल्हे वाला सीन होता है, जब भी नानी को मन करता है तो वो यहीं बनाती है, लेकिन आजकल ये यूज में नहीं है तो इसलिए ऐसी है। आप यहाँ से इधर आओगे फिर देखो यहाँ पे दोबारा से उसका पेड़ आ गया, अमरूद का पेड़ आ गया। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर छत से दिखाया था ये वो आम का पेड़ है, और यहाँ पे ये हमारी जो खुदाई चल रही है यहाँ पे दीवार लगी हुई है। अभी क्या वो बारिश के टाइम पे ना जो यहाँ पे दीवार थी वो थोड़ी सी ऐसे मतलब गिर सी गई थी, तो यहाँ पे दोबारा दीवार बन रही है पूरी।
साइड से बंद है लेकिन जा नहीं सकती मैं। और ये हमारे घर का पीछे वाला गेट है जो मैंने आपको कल दिखाया था, एक आगे की साइड से एक पीछे की साइड से। और ये पूरा मेरी नानी का खेत है, इतना बड़ा पूरा यहाँ पे वो लगता है, क्या लगता है, धान लगेगा है? धान यहाँ पूरी धान वान लगती है, अभी लगेगा ना, अभी वेदर आ चुका है तो अभी कुछ टाइम के बाद लगेगा। बोलो। I'm so sorry guys, लेकिन यहाँ पे जो मौसम हो रहा है ये मैं आपको दिखा के रखूंगी क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। इतना प्यारा मौसम है यहाँ पे, इतना प्यारा, आप देख रहे हो लिटरली बारिश आने वाली है। यहाँ पे पूरे काले बादल आ चुके हैं, ओ माई गॉड। और यहाँ पे जब बारिश आती है ना वो इतनी, मतलब तूफान यहाँ का इतना खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे जब बारिश आती है ना तो वो एकदम ही आप इतनी फ्लो से आती है, इतनी तेज, वो देख रहे हो, ओह माय गॉड, ओ फक। मैं बैक कैमरा करती हूँ, पूरा काला हो चुका है वो, आप देख रहे हो, ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पूरे पीछे के पेड़ जंगल के पेड़ हैं। और जब यहाँ पे बारिश आती है, अगर आपको यहाँ पे हल्का हल्का झलक दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पूरे पहाड़ दिख रहे हैं आपको हल्की हल्की, अभी जब बारिश आएगी ना पूरा आसमान क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे पूरे कोने कोने पे ना, पूरे कोने कोने पे आपको पहाड़ दिखाई देंगे। पता नहीं आपको यहाँ से शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे वो देखो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, फोटो क्लिक करके मेरे को भेज देना ठीक है। ये मेरे को भी करना पड़ेगा नानी, जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, और यहाँ मेरी नानी का रोना स्टार्ट हो चुका है। साउंड ऑन दिया वक्त क्या करो, ठीक है, मैं रोने नहीं, अरे टीका पिघल गया, जल्दी आओ, अभी आएंगी थोड़े दिन बाद, दोबारा आएंगी दोबारा आएंगी, रोनी फार्म हो रही है, चलो जल्दी आऊंगी। रोने लग जाती है, चलो मैं कल जाऊंगी क्योंकि मम्मी का ना कल वर्किंग है ऑफिस में, तो ऑफ कल का ले नहीं सकती थी वो, इसलिए वो आज चली गई, इनकी गाड़ी आज है, मैं कल सुबह 12 बजे चली जाऊंगी, दोबारा आएंगे ठीक है, रो काह रही हो, चलो इतना नहीं करते, चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है ट्यूसडे और 11 बज रहे हैं, 11:50 की मेरी ट्रेन है और मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, कल मेरी मम्मा चली गई थी, वो पहुँच गई हैं सेफली, और कल मेरा वर्किंग है कल से, आज भी मेरा ऑफ है, तो ट्राई करूँगी कि ट्रेन में मैं जितनी भी एडिटिंग है वो पूरी कर लूँ, रात को मैं 8-9 बजे के अराउंड पहुँच जाऊँगी डेली। आपने लगा लिया? लास्ट टाइम जब मैं नानी के यहाँ पे आई थी ना तो ऑलमोस्ट मेरी ट्रेन छूट ही गई थी, लिटरली मैंने बैग फेंका था ट्रेन में और चलती ट्रेन में मैं चढ़ी थी, बट इस बार मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है इसलिए मैं 11 बजे ही निकल रही हूँ। अपनी मम्मी को सबूत देना, सबूत यही तो होता भी था। उन्हें तो लगाए थे, उधर हो गया, वायर लगाने की क्या जरूरत है अभी। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या था अभी जो पहले वाली क्लिप में आपको दिखाया था, तो बेसिकली पहाड़ियों में आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे नाना जी दादा जी ताऊ जो बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें देवता आते हैं और उनके पास कुछ
छोटी मोटी अब मेरे को भी इतना क्लियरली पता नहीं है मैं सच्ची बताऊँ तो, लेकिन ये है कि हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे घर में उनके अंदर देवता आते हैं, और जैसे हमें कभी डर लग जाता है, अच्छा लग जाता है किसी चीज़ से, या बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, तो ये एक काइंड ऑफ झाड़ा होता है जो लगाते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है क्या है, लेकिन अगर आप किसी भी पहाड़ी से पूछोगे, कोई भी जो पहाड़ किसी भी पहाड़ी इंसान से पूछोगे, वो लोग ये मानते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ रिचुअल आप बोल सकते हो, एक हमारे पहाड़ियों में होता है। तो बस वही चीज़ है, मुझे भी एग्जैक्टली क्लियरली पता नहीं है, बट जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, बस वेट। पहले बार की तरह नहीं हुआ है कि टाइम पर नहीं मिली है। अब थोड़ी देर बैठ के आप एडिटिंग वगैरह करोगे आराम से, मस्त। ये कल मेरा वर्किंग है तो ज़्यादा एडिटिंग मुझे आज ही अपनी कंप्लीट करनी है, लेट्स से कितनी होती है। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं आउटरो करना भूल गई। मैं जब घर पहुंची थी मैं खाना वाना खा के सीधे सोने चली गई थी, इस वजह से मैं आउटरो नहीं कर पाई, और नेक्स्ट डे मेरा वॉकिंग भी है तो नींद थोड़ी सी ज़रूरी थी इस वजह से। बट आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक ज़रूर करके जाना, दिल करे तो कमेंट भी कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।